दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी हिंदी माध्यम से कर रहे हैं तो आपके लिए टारगेट पब्लिशर की तरफ से ई बुक लॉन्च की गई है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट और 10 वन लाइनर सेट दिया गया है, जो कि आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रही है। 90 रुपये की पुस्तक आपको मात्र 20 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। तो नीचे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस ई बुक का लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। और यदि परचेज करते समय आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इनके दिए गए ईमेल आईडी पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एनटीपीसी एसएससी और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जीन परिवर्तन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो देखिए, जीन परिवर्तन ये DNA में होता है। किस में होता है? DNA में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन शरीर के ऊतकों के वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो देखिए, आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन ये शरीर के ऊतकों के वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो देखिए, ये है प्रोटीन, ठीक। प्रोटीन जो है ये शरीर के ऊतकों के वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो देखिए, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन ये होता है क्रोमोसोम्स में। किस में होता है? क्रोमोसोम्स में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई किसकी होती है? तो देखिए, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई ये एमिनो अम्ल की होती है। किसकी होती है? एमिनो अम्ल की होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो देखिए प्रोटीन बनाने के लिए ये 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन जो है ये कार्नबर्ग ने किया था। किसने किया था? कार्नबर्ग ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या जो है ये 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, RNA का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए, RNA का मुख्य कार्य ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना होता है। क्या होता है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो देखिए, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह जो है ये RNA के द्वारा होता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, राइबोसोम का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए, राइबोसोम का मुख्य कार्य ये प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो देखिए, आत्महत्या की थैली जो है ये लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है,
डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को ये नोबेल पुरस्कार जो है जेनेटिक्स कोड के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? जेनेटिक्स कोड के लिए मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीन का आकार निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो देखिए, जीन का आकार जो है ये सर्पाकार होता है। कैसा होता है? सर्पाकार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है ये जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो देखिए, आपको इन चारों में बताना कि इनमें से कौन सी जांच एक बच्चे के उसके पिता का निर्धारण करती है। तो देखिए, ये है डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंट जो है ये उसके बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो देखिए, पौधों में गैसों का विनिमय जो है ये स्टोमेटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे का लिंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, बच्चे का लिंग जो है उसके पिता पर निर्भर करता है। ठीक, उसके पिता पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ये ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है एथलीट यानी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तो देखिए, एथलीट यानी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए ये कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, डीएनए का मूल मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, डीएनए का मूल मात्रक ये न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, कोशिका एक क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो देखिए, कोशिका एक क्रियात्मक गतिविधियाँ जो है ये केंद्रक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो देखिए, कोशिका का पावर हाउस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुवांशिकी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो देखिए, अनुवांशिकी जो है ये जीन की इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमशकल जुड़वा का जन्म तब होता है जब? तो देखिए, हमशकल जुड़वा का जन्म जो है ये प्रायः एक ही लिंग के होता है। यानी कहने का मतलब है, यदि लड़का जन्म लेता है तो दोनों जो है लड़का ही होगा, और यदि लड़की जन्म लेती है तो दोनों जो है लड़की ही होगी। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन जो है ये प्राप्त होता है कवक से। किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए, पेनिसिलिन की खोज जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 22 है, जेनेटिक्स में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, जेनेटिक्स में ये अनुवांशिकता और गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, ऊतक निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, ऊतक जो है ये समान कोशिकाओं का एक समूह है। क्या है? समान कोशिकाओं का एक समूह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, डिप्थीरिया बीमारी किसके द्वारा होती है?
तो देखिए डिप्थीरिया बीमारी जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होती है, तो देखिए इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस के द्वारा होती है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन सा रोग ये जीवाणु के कारण होता है। तो देखिए ये है हैजा, ठीक, हैजा जो है ये जीवाणु के कारण होता है, और बाकी चेचक, पोलियो और इन्फ्लुएंजा, यानी ये तीनों जो है ये विषाणु के द्वारा होता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से दूध किसके द्वारा खट्टा किया जाता है? तो देखिए दूध जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, पनीर बनाने में किस किड़वन का प्रयोग होता है? तो देखिए पनीर बनाने में ये रेनिन किड़वन का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन सी दवा ये एंटीबायोटिक है। तो देखिए ये है पेनिसिलिन, ठीक, पेनिसिलिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, पैरासीटामोल का उपयोग किसके लिए होता है? तो देखिए पैरासीटामोल का उपयोग जो है ये शरीर के बुखार और दर्द निवारण के लिए होता है। किसके लिए होता है? शरीर के बुखार और दर्द निवारण के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, नदियों और तालाबों में पाए जाने वाले जलीय पौधे क्या कहलाते हैं? तो देखिए नदियों और तालाबों में पाए जाने वाले जलीय पौधे जो है ये शैवाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शैवाल कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।